बहुत ही भयंकर मल हो रहा है यार। ये देखो वो हो रही गंगा जी, जय हो गंगे मैया की। बाइक में तो कोई इशू नहीं है, पता नहीं क्या आइटम है यार ये। भाई साहब ये लैंडस्लाइड देखो यार, कितने बड़े बड़े पत्थर हो यार, 95 किलोमीटर 3.5 घंटे। सोया की अपनी पहाड़ वाली चाय और पहाड़ों वाली मैगी, जिस चीज का रहता वो हो गया है। बारिश में यहाँ पर लैंडस्लाइड का क्लेश सबसे ज्यादा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं 6 और 4, नहीं 6 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 7:10। एक्चुअली अभी तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी पिछले ब्लॉग के, मुझे कुछ बताया नहीं था, तो उसका रीजन कुछ ऐसा है कि अभी मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये राइड होने वाली है। अचानक से ही एकदम से बाबा का बुलावा आया। बाबा मतलब यार मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, मेरठ में हूँ, मेरठ क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और उत्तराखंड जा रहा हूँ केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने। अचानक से बाबा ने यार बुलावा दिया तो मेरा मूड कर गया, मैं निकल गया। एक ही दिन का मेरा प्लान बना, कल मैं प्लान बनाया, आज मैं निकल गया। आज है 19 अक्टूबर 2022, अभी सुबह के 7:10 हो रहे हैं। 5:30 बजे मैं घर से निकल गया था, मैंने 5:30 बजे मैंने पेट्रोल भरवाया था बाइक में और मैं खुद हो गया हाईवे पे आ गया था। चलो भाई यहाँ धूप में बैठते हैं, मजे से। बाइक तो अपनी एक नंबर लग रही है, मजा आ गया यार। हाँ राइड करने में मज़ा तो आ रहा है, पर अब जो है थोड़ा सा बम्पी से ना पेन करने लग गए थे तो इसलिए रुक गया। तो बैठते हैं यहाँ पर आराम से, चारपाई पे बैठेंगे और 10 मिनट का रेस्ट करेंगे और आराम से चाय पियेंगे, देन यहाँ से चलेंगे। तो फाइनली ऋषिकेश से 7-8 किलोमीटर पहले अपना पॉल्यूशन चेक कराने लग गए, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं हो रखा बाइक का, मेरे को याद था निकलने से पहले चेक कर लिया था, तो पॉल्यूशन करा लेते हैं, क्योंकि अगर गलती से किसी पुलिस पुलिस वाले ने रोक लिया और चेकिंग हो गई ना तो पॉल्यूशन का चलान बहुत मोटा है, तो इसलिए टाइम से पॉल्यूशन करा लेते हैं। तो लो जी ये ऋषिकेश सिटी के अंदर अपनी एंट्री हो गई है। राइट साइड पे अपने लक्ष्मण झूला है थोड़ा सा आगे, और ये साइड में गंगा जी बह रही हैं, बहुत ही अच्छा पानी है, बहाव अच्छा है भाई। हाँ ऋषिकेश जस्ट बाहर निकला ही निकला हूँ, वो अंदर सिटी के अंदर इतने रेस्टोरेंट थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ बन रहा था, खुशबू आ रही थी खाने की, भूख लग गई। अभी 5 मिनट पहले मैं कह रहा था कि अभी तक भूख नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और अब देखो भाई रुक गए खाने के लिए यहाँ पर छोले कुलचे, क्योंकि भूख लगाई और सीरियसली लगाई, झूठ नहीं बोल रहा। चलो खाते हैं भाई, कुछ खाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। सो फाइनली यहाँ से ब्रेकफास्ट हो गया अपना, कुलचे खा लिए, लेमन पी लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। और मैंने इस पे माइक की सेटिंग थोड़ी चेंज करी है, क्योंकि मैंने साउंड चेक किया पीछे सारा ख़राब आ रहा था साउंड, तो अभी सेटिंग चेंज करिए, देखते हैं, आई होप सो साउंड अच्छा है। तो चलिए एक बार दोबारा साउंड चेक करें और यहाँ से निकलते हैं जल्दी वादियों में। वैसे एक बात तो है भाई, आज ना मतलब जैसा मैंने सोचा था ना मौसम के बारे में कि हाँ इतने बजे तक यहाँ पहुँचूंगा वहाँ पहुँचूंगा, तो गर्मी लगेगी ठंड लगेगी, भाई ठंड तो लग रही थी बट गर्मी नहीं लग रही। अभी भी जैकेट के अंदर मैंने अपना वो पहन रखा है रेन लाइनर, जो हवा को बिल्कुल रोकता है अंदर आने के लिए, और वो पहनने के बावजूद भी मुझे गर्मी नहीं लग रही है, ना रुकने पे ना चलने पे, बल्कि चलने पर हल्का ठंडा ही लग रहा है हवा मुझे। तो मौसम तो मौसम हो गया भाई, पिछले साल भी हालत खराब थी, पर पिछले साल दिन के टाइम में गर्मी लग रही थी, आज हमें गर्मी, आज मतलब मुझे गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, आज एकदम परफेक्ट है मौसम भाई। तो क्या करके मानेंगे समझ नहीं आ रहा इनका, राफ्टिंग अभी भी चल रही है भाई, हिम्मत है ना।
भयंकर चिल्ड पानी होगा ना, सोच भी नहीं सकता कोई कैसे कर रहे हैं ये लोग राफ्टिंग की हिम्मत है भाई। मैं तो ना करूँ, मैं तो वो गर्मी में ना करूँ। मेरा किस्सा मैंने पहले सुनाया, मैं भाई राफ्टिंग से बहुत सकती है, हिम्मत ही नहीं राफ्टिंग करने की, तो बहुत ही भयंकर मतलब बहुत ही तगड़ी लैंडस्लाइड होती है, बहुत ही तगड़ी। श्रीनगर आ गया 69 किलोमीटर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट टाइम भी हमने जो स्टॉपेज लिया था ना मेडमो, श्रीनगर पे लिया था हमने, श्रीनगर पे जो पुल है श्रीनगर जस्ट पहले जो रिवर क्रॉस करता है वहीं खड़े होकर वहाँ पर हमने ब्लॉग एंड किया था पहला, उसके बाद बैकिंग ब्लॉग स्टार्ट किया था, पर आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉग जो प्रॉपर केदारनाथ तक रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लंबा लंबा रास्ता खींच रहा हूँ, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करता हूँ। और ये देखो यहाँ पर लैंडस्लाइड तो मतलब भारी हुई है यहाँ पर, जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में यहाँ पर बारिश हुई है ना ऑल ओवर यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, हाँ तो लैंडस्लाइड बहुत हो रखा है। ये देखो वो हरी गंगा जी, जय हो गंगे भैया जी, जय हो। बाकी वहाँ उस साइड की घाटी में ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, ये भी अच्छा लग रहा था पर वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलो अब बाइक निकल जाएंगी इजली, बाइक निकल जाएगी मेरे हिसाब से भाई, बाइक में तो कोई इशू नहीं है, पता नहीं क्या आइटम है यार ये, पर भाई इसने वाट लगा दी, निकल गए। सो ये हम पहुंच गए देव प्रयाग संगम पे, यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है, वैसे एक तरफ से अलकनंदा रिवर है एक तरफ से भागी रहती है, दोनों मिलकर बन रहे हैं गंगा गंगा दी गंगेज, गंगा मैया यहाँ से चालू होती है। कॉन्फ्लिक्शन दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है और यहाँ से ये आगे हमारी होगी गंगा मैया। सभी पेट्रोल पर कहते हैं इंडियन ऑयल, हरियाणा में सस्ता है भाई पेट्रोल, यहाँ पर 1 रुपया 196.79 समथिंग था, मतलब 70-80 पैसे सस्ता है वहाँ से, यहाँ पर 96 रुपये 0 कुछ पैसे था, तो 736.50 रुपये का अपना आया है पेट्रोल भाई। गिनकर है ना, मतलब मैं भी गिनता रहूँगा इस वीडियो के जरिए, 926 तो रात को डलवाया था मैंने, सॉरी सुबह डलवाया था मैंने, और अब मैंने 736.50 का टॉपअप मारा है। टॉपअप इसलिए मार लिया, मैं आगे जाकर भी मारना पड़ेगा, मैं अभी यहीं मार लो यार, मैं आगे कौन रुकेगा, अब रुकने वाला काम तो है नहीं अपना भाई साहब। ये लैंडस्लाइड देखो यार, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और साइज देखो पत्थरों का, कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ हुआ ये है, चौदह उसकी भयंकर भाई, बारिश में कसम से उत्तराखंड बहुत खतरनाक है भाई। पहुँच गए और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर खाना खाया था और ये भाई अभी घुसता मेरे अंदर रुक ही नहीं रहा, तो यहाँ जस्ट हमने यहीं पर लंच किया था जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए थे, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:34 और लास्ट टाइम भी हाँ यही कुछ टाइम था, फिर आई थिंक तो 3:30 बज रहे थे और इस बार जल्दी है थोड़ा, तो मैं तो श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं, फिर आएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद जो है अपना अगस्त मुनि के कुछ किलोमीटर के बाद जो है लेफ्ट में टर्न कट जाएगा केदारनाथ जी के लिए, और राइट में होगा टीनाथ जी का रास्ता चौपटा उखी मठ, तो उसके रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर, और यहाँ से राइट ऊपर चढ़ जाएंगे तो तोड़ी है, बारिश के टाइम में ना तोड़ी से ट्रैवलिंग करना ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड थोड़ा कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है रास्ते पर। ये देखो अब यहाँ से देखो पानी देखो कितना सारा है भाई साहब। चलो जी अभी बस यहीं थोड़ा सा आगे चल के धारी देवी मंदिर भी आएगा, बड़ी मान्यता है उस मंदिर की यहाँ पर, तो देखते हैं अगर रोड से दिखाओ तो मैं आपको दिखाऊंगा, उधर से नहीं पाऊंगा क्योंकि लेट काफी हो गए हैं, अभी भी 3.5 घंटे दिखा रहा है मुझे यार, मैं तो कितनी बार चलाऊंगा 95 किलोमीटर 3.5 घंटे खराब हो गई है भाई, और एक ढंग का स्टॉपेज नहीं लिया मैंने, एक ढंग का स्टॉपेज कहते हैं ना कि मतलब मैं रुका हूँ आधा पौना घंटा, कहीं कोई मैंने ऐसे स्टॉप नहीं लिया है, मुश्किल से 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे स्टॉप लिए,
और 10 मिनट बस मेरे उसमें लगा होगा जो मैंने खुद से खाए हैं, बस 10-15 मिनट जो लगा है, उसके अलावा कहीं नहीं रुका मैं। नॉन स्टॉप चल रही है बाइक, 5 किलोमीटर चल रही बाइक यार। सो वो रहा धारी देवी मंदिर, कितना प्यारा लगा देखो ऊपर से यार। मैं अभी कैमरे से दिखा रहा हूँ, मोबाइल से नहीं दिखा रहा, इसलिए थोड़ा जूम नहीं कर पाऊंगा। सो लो जी ये थोड़ा पास से देख लो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखो बीच में एक लैंड निकला हुआ है, पानी यहाँ पर थोड़ा कम है, देखो काफी लैंड निकले हैं, और जब लास्ट टाइम आया था ये दिख नहीं रहे थे लैंड, तो पानी काफी यहाँ पर कम हो गया है। आगे भरा हुआ ज्यादा था पर यहाँ कम है, मेरे ख्याल से पीछे से पानी नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब मैं बकवास कर रहा था पीछे फालतू की सारी, काट दिया मेरा शिट मैन। मैं चेक कर लूंगा वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, बाकी फिर भी मैं दोबारा से बोल देता हूँ। जो मैं कह रहा था वो एक एरिया है जो हर वक्त लैंडस्लाइड होता रहता है, वो ये एरिया था भाई, ये देख रहे हो। और मेरे को लग रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद पड़ी थी, सही फुद्दू कटा है मेरा, क्या ही बोले। और वो जो पुल बन रहा है ना, मेरे हिसाब से वो पुल जो है बाईपास करेगा इसको रुद्रप्रयाग को, मेरे ख्याल से। आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, इस टाइम मैं रुद्रप्रयाग में हूँ, ये रुद्रप्रयाग संगम, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इससे पहले नहीं देखा था मैंने, और बहुत ही सुंदर है। देखो सिटी कितनी प्यारी लग रही है यार, जबरदस्त। और अपन ने यहाँ पर दीदी को बोला है एक मैगी और एक चाय, ऑसम व्यू है यार, व्यू की वजह से मैं रुक गया खाने के लिए एक्चुअल में। और ये यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे देखने को, यहाँ वो है अलकनंदा और ये मंदाकिनी, ये मंदाकिनी वो अलकनंदा, ऑसम। और यहाँ पर वही सिस्टम है, राइट वाली जो है वो गंदी है, मतलब मैली वाली है, मिट्टी वाली नदी है, और लेफ्ट वाली जो है एकदम साफ सुथरी क्लियर नदी है, और सेम चीज़ जो है देवप्रयाग में भी है। सो ये आ गई अपनी पहाड़ वाली चाय और पहाड़ों वाली मैगी विद दिस व्यू, सुकून ही सुकून है, मजा ही मजा है। मैंने तो जस्ट बोला ही था, अरे बारिश आ गई, लो हो गया सीन। अब कहीं जगह दिखे ना वो बाइक को मैं रोक सकूँ, बाइक भी ना भीगे क्योंकि बैग है पीछे, भाई सामने कुछ दिख नहीं रहा है, बारिश हो रही है, मैंने पन्नी चढ़ा दिया कैमरे के ऊपर। अरे भाई जिस चीज़ का रहता वो हो गया है, बारिश नहीं यहाँ पर लगने सौ रुपये से सबसे ज़्यादा। रेन सूट तो पहन लिया अपना मैंने, पर यार मैं भूल गया था मतलब रात के अंदर फेस की थी प्रॉब्लम, और दिमाग में नहीं रही, मैं वही लेके आ गया। जो रेन सूट है मेरे जैकेट के ऊपर नहीं आता यार, कभी जैकेट भी होगी तो वही मैं दो दिन में सूखी जाएगी, होटल वाले तो सूख के चले जाएंगे। सो अभी बारिश बंद हो गई और अगस्त मुनि हम पहुंच गए हैं। हाँ यहाँ पर नदी बड़ी प्यारी लग रही है, अच्छा भाव है नदी का। तो मैंने पन्नी उतारी थी, पन्नी उतारने रुक गया था हेलमेट के ऊपर से, तो उतार लिए पन्नी, अब निकल रहे हैं। हाँ यहाँ से अभी भी करीबन 50-55 किलोमीटर है, आधे पौने घंटा वेस्ट हुआ है मेरे यहाँ बारिश के चक्कर में यार। अब यहाँ से 44 किलोमीटर रह गया है सोनमर्ग, लद्दाख जा रहा है, सोनमर्ग नहीं है सोनप्रयाग। तो देखते हैं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, 6:11 बजे खड़ा है उनके टाइम, मेरे साथ से 5:45 तक पहुँच जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप ही करूँगा, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। बाकी देखते हैं जैसी किस्मत रहेगी, रास्ते में रुकना पड़ेगा रास्ते में रुक जाएंगे, ऐसे कोई जिद नहीं है कि पहुँच नहीं है वहाँ पे। सो फाइनली टॉपर के दाना तेरे रास्ते पर आ गए, मैं जहाँ तक आया हूँ ये ऊपर तुंगनाथ जाता है ये रास्ता, चौथा और खिमट वहाँ पर तुंगनाथ मंदिर है महादेव जी का, जो दुनिया का सबसे ऊँचा मंदिर है महादेव जी का। इस रास्ते में फर्स्ट टाइम आया, अब करते हैं स्टार्ट, बाकी मज़ा बहुत आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं शायद सोन प्रयाग से पहुँच जाऊँगा अगर ऐसा मौसम रहता है, बाकी ऊपर फिर बिगड़ा हुआ दिख रहा है मुझे मौसम, अगर बिगड़ेगा मौसम तो शायद मुझे रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई बारिश में नहीं चला जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पीछे भी जो बारिश थी बहुत ठंडी थी भाई साहब, 2 मिनट उसने कुकड़ी बांधी थी मेरी कुकड़ी, हालत ख़राब करती थी भाई। अब समझ में आ रहा है कि 34 किलोमीटर जो है 1 घंटा 40 मिनट क्यों दिखा रहा है, रोड सारी ऐसी है और बीच बीच में एकदम से ऐसे स्टिप चढ़ाई है, तो बाइक जो है 25-30 ऊपर चल नहीं पा रही, और वहाँ तो 10 पे चल रही है, 10-15 पे पहले गियर में, तो डेढ़ सौ 1 घंटा 40 मिनट। बाकी अपने केदार बाबा उसी उधर ही घाट में बैठे हैं कहीं,
उसी वैली में। वाह, अभी 34 किलोमीटर रह गया यहाँ से। हाँ। तुम देख लो इतनी देर लग रही है भाई, हालत खराब हो रखी है। ऐसे में बताओ बाइक कैसे चलेगी। चलो जी चलो, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। देख के चलना पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए इतना टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी जब उतरेंगे ना, उतरते टाइम इतना टाइम नहीं लगेगा, उतरते बहुत जल्दी उतर जाएंगे हम, क्योंकि ढलान होगा ना पूरा, तो बस ये गड्ढे बचाने और कुछ नहीं करना। कितना प्यारा लग रहा है अभी। So, ये हम पहुंच गए गुप्तकाशी। मार्केट तो काफी बढ़िया यार गुप्तकाशी की। एक्चुअली यार टूरिस्ट भी तो बहुत है ना, अब बस ये 27 को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद टूरिस्ट कम हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से भीड़ भी इतनी नहीं रहेगी यहाँ पे। अभी टूरिस्ट इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब दर्शन के कपाट बंद होने वाले हैं। भाई साहब सामने देखो क्या वाटरफॉल है यार, ऑसम लग रहा है, ऑसम। अभी उसके साथ ही निकलना है। वाओ यार, मेरे को तो मौसम लग रहा है। मैं कहता हूँ वही जगह है जहाँ पर लास्ट ईयर जटप्रभ जो नहाया था यहाँ पर आके। हाँ वही है, वही है। रुक जाओ, ये सोन पे आगे, इससे आगे पड़ेगा कितना, 1 किलोमीटर। और यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, वो कितनी दूर होगा, 6 किलोमीटर। तो वहाँ तक बाइक चली जाएगी कल, आगे तक जाएगी 1 किलोमीटर। अच्छा, बहुत बड़ा ऐड दे दिया। सो फाइनली सोनमिराग पहुँच गया हूँ, मतलब एक यहाँ से सोनमिराग के आधा किलोमीटर ही है, तो मैंने यहीं भी रूम ले लिया। आगे जाम बहुत तगड़ा लगा हुआ था, करीबन 700-800 मीटर का लंबा जाम, और रुका हुआ जाम था बिल्कुल, तो मैंने यहाँ ले लिया। 800 रुपये का रूम पड़ा है, रूम घुसते साथ ही खत्म है ये एंट्री, तो ये खत्म हो गया रूम। ये वॉशरूम में जो गीजर लगा है सुपर लिफाइड हो जाएगा। तो चलो भैया को पहले जरा मैं आईडी कार्ड से सब दे के आता हूँ, और फिर मिलेंगे।